नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि हमारी हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही जबरदस्त प्लान लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दिलचस्पी रखते हो, अगर आप भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम करने के इच्छुक हो, तो आज हम आपको कुछ ऐसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसका बहुत ही जबरदस्त प्लान हमारा आया है, जिसके अंदर सैलरी सिस्टम, ईएसआई और पीएफ की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आप भी उसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप भी उसके माध्यम से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो किस प्रकार से आप उससे जुड़ सकते हो और आप हर महीने हजारों लाखों रुपये किस प्रकार से कमा सकते हो। साथ ही साथ हम आपको आज नेटवर्किंग के कुछ ऐसी जानकारी आपको बताने वाले हैं, जिसको अगर आप आजमाते हो तो आप भी हर महीने हजारों लाखों रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज के समय हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर डॉक्टर की अगर हम बात करें तो वो अपनी सर्विस सेल करता है, अगर हम एक वकील की बात करें तो वो भी अपनी सर्विस सेल करता है, अगर हम किसी शॉपकीपर की अगर हम बात करें तो वो अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल करता है। यानी कि प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ सेल करता रह रहा है, यानी कि हमारा सेलिंग का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। और अगर आप इस बिजनेस को सीख गए, अगर आप सेल की सारी जानकारी अगर आप सीख गए, तो आप सेल कर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हर महीने कमा सकते हो। यानी कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर ली, तो आप अपने सारे के सारे सपने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही पूरे कर सकते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनियां आती हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल करती हैं, कुछ अपनी सर्विस सेल करती हैं, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आती हैं और आपका पैसा इन्वेस्ट कर और भाग जाती हैं, राफू चक्कर हो जाती हैं। काफ़ी सारे लोगों के सामने समस्या उत्पन्न ये होती है कि आखिर वो फेथ किसके ऊपर करें, आखिर सही कंपनी कौन सी है, कैसे पता चले और किसके अंदर वो ज्वाइन कर किसके साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई हमारी एक नई कंपनी की जानकारी बताएंगे, जिसके अंदर आपको सैलरी, ईएसआई और पीएफ की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान दिया जा रहा है, जिसको अगर आप सिस्टम से अगर आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो, तो आप उससे हर महीने हजारों लाखों रुपए भी कमा सकते हो। लेकिन पहली कुछ नेटवर्किंग के बारे में कुछ जानकारी जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, और उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करिए और उसके बाद आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लैक्स ग्रो को ज्वाइन कर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो एक छोटा सा गांव था और उस गांव के अंदर एक छोटा बालक था और उस बालक के अंदर कुछ ऐसी खूबी थी जो कि और किसी के अंदर नहीं थी उस गांव के अंदर। और वो बालक जैसे 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 बड़ा होता चला जाता है, उसकी वो खूबी डेवलप होती चली जाती है। वो एक दुकान के ऊपर काम करता है, तो उस दुकान के ऊपर जितने भी ग्राहक आते थे, जितने भी कस्टमर आते थे, वो सारे के सारे कस्टमर को वो लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से सारी की सारी चीज़ें समझाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे दिया करता था। और उस दुकान का मालिक भी उस लड़के से बहुत खुश था, क्योंकि उसके माध्यम से उसकी दुकान की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। हर दिन उसकी दुकान की सेल बढ़ती ही बढ़ती चली जाती है और उसकी दुकान धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती चली जाती है। लेकिन वो लड़का बिल्कुल हताश रहता था, बिल्कुल ये मान लीजिए उदास रहने लगा, और वो सोचने लगा कि यार जितनी मेहनत मैं यहाँ पर करता हूँ, उस मेहनत का रिजल्ट मेरा मालिक मुझे बहुत ही कम देता है, बहुत ही कम मात्रा में देता है। अगर ये मेहनत मैं बाहर किसी दूसरे देश के अंदर करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा और मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ और मैं सारी की सारी अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकता हूँ। तो ऐसा वो सोचने लगता है, लेकिन उसके पास कुछ रुपए पैसे की कमी रहती है, तो वो क्या करता है, अपने मालिक के पास
थोड़ा सा लगन लगाकर और मेहनत करता है और वो कुछ और जानकारी हासिल करता है और बेटर परफॉर्मेंस अपनी लाने की कोशिश करता है कंज्यूमर के सामने। और कस्टमर लेने को चाहता था और उसको वो और भी ज़्यादा सामान उसको दे देता था, ऐसी एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो चुकी थी, तो वो बिल्कुल विदेश जाने का फैसला कर लेता है और वो अपने सारी की सारी पूंजी जो उसने इकट्ठी करी थी उस पूंजी को लेकर वो चला जाता है अमेरिका। अब अमेरिका जाता है तो वहाँ पर वो एक शोरूम के अंदर एक सेल्स के लिए बिल्कुल नौकरी तलाश करता है और वो एक बहुत बड़े शोरूम के अंदर, मल्टीपर्पज शोरूम था, उसके अंदर काफ़ी सारी ये मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट डिफरेंट सारे के सारे मटेरियल्स अवेलेबल थे जो कि सभी की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। गाड़ी हुई, नाव हुई, सब कुछ थे, एवरीथिंग उसके अंदर था जो हमें रिक्वायर्ड रहता है। खूब बड़ा लंबा चौड़ा वो हमारा ये मान लीजिए बहुत ही बड़ा मॉल था और उसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब वो नौकरी के लिए जाता है वहाँ पर मॉल में और मालिक को बोलता है कि मैं एक सेल्समैन हूँ और मुझे सेल्समैन की नौकरी चाहिए, आप मुझे क्या यहाँ पर नौकरी पे रख सकते हो। अब जो मालिक होता है, मालिक बोलता है कि आपके पास क्या कोई प्रूफ है कि आप सेल्समैन हो, क्या आपके पास सेल्स का कोई सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से मैं आपको नौकरी पे रख सकूं। तो वो लड़का था बेचारा गांव से आया था और उसके पास गांव में किसी प्रकार का सेल्स का किसी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं था। उसने बोला मालिक मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, हाँ लेकिन मैं मेरे गांव के अंदर बहुत बड़ी दुकान के ऊपर काम करता था और उस दुकान के ऊपर सारे के सारे ग्राहक मेरे द्वारा ही आते थे, मेरे पास आते थे और मेरे से बात कर कर वो सामान को ज़्यादा मात्रा में लेकर जाते थे। तो दुकान का मालिक सोचता कि यार ऐसा कैसा हो सकता है, इसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है और ये बोल रहा है कि बहुत बड़ी दुकान के ऊपर ये काम करता था और ग्राहक लेने को चाहता था और उसको ये और भी ज़्यादा सामान देकर भेज देता था। तो मालिक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, 2 दिन के अंदर अगर आप मेरी दुकान के अंदर सेल कर कर दिखाते हो और मेरे एम्प्लॉय के साथ आप बिल्कुल काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें नौकरी पर भी रखूँगा और मैं तुम्हें नौकरी के साथ साथ आपको खाना भी दूंगा और रहने के लिए घर भी दूंगा और अच्छी तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। अब 2 दिन पहले वो उसको 2 दिन का समय देता है। पहला दिन उसको वो अपने पूरी की पूरी ये मान लीजिए मॉल का दर्शन कराता है, पूरे मॉल के ऊपर कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमारी सेल होती है, क्या क्या चीज़ें हमारी मॉल के अंदर है, वो सारी की सारी जानकारी वो मालिक उस लड़के को लेकर घुमाता रहता है और बिल्कुल लड़का भी सारी की सारी चीज़ें देख लेता है। और दूसरे दिन वो उसको एक काउंटर दे देता है और उस काउंटर के ऊपर उसको सारी की सारी जानकारी समझा देता है कि यहाँ से तुझे कस्टमर की बिलिंग करनी है और तू ज़्यादा से ज़्यादा सेल अगर कर पाता है अपने काउंटर के माध्यम से तो मैं तुझे नौकरी भी दूंगा, मैं तुझे रहने के लिए घर दूंगा और खाना भी मैं तुझे बिल्कुल से इसके साथ फ्री देने वाला हूँ। तो वो लड़का बिल्कुल अपने काउंटर के ऊपर रख जाता है और बिल्कुल उस दिन कस्टमर आते हैं मॉल के अंदर और सभी के काउंटर के ऊपर सेल होती है। लड़के के पास भी एक कस्टमर आता है और उसके काउंटर पे भी सेल होती है। अब शाम को जब कलेक्शन की बात आती है तो मालिक सभी काउंटर वालों को बुला लेता है और सभी से पूछता है कि आज किसकी कितनी सेल हुई। और उस लड़के का भी ये बिल्कुल ये मान लीजिए टेस्ट था कि वो अगर सेल कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तो उसको नौकरी मिल जाएगी। अब सभी से पूछा जाता है कि आपके पास कितने कस्टमर आए, आपने कितने कस्टमर को सेल किया प्रोडक्ट। कोई बोलता है मैंने $200 की सेल की है, कोई बोलता है मैंने $100 की सेल की है, कोई बोलता है मैंने $50 की सेल की है, कोई बोलता है मैंने 30 कस्टमर को हैंडल किया है, कोई बोलता है मैंने 25 कस्टमर को हैंडल किया है। और जब उस लड़के की बारी आती है तो वो लड़का बोलता है कि सर मैंने 1 कस्टमर को हैंडल किया है। अब सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि 1 कस्टमर को हैंडल किया है। मालिक पूछता है कि आपने अपने काउंटर से सेल कितनी करी। तो वो लड़का जो जवाब देता है उसको सुनने के बाद में सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। वो लड़का बोलता है कि मालिक
मैंने एक कस्टमर को हैंडल किया और मैंने $1,00,000 की सेल की है, $1,00,000 की सेल की है। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और मालिक भी अचंभित हो जाता है कि यार एक कस्टमर को $1,00,000 की सेल कर दी। तो मालिक से रहा नहीं जाता और मालिक और सारे के सारे एम्प्लॉय उससे पूछते हैं कि आपने उस कस्टमर को क्या सेल किया और वो कस्टमर क्या लेने आया था। तो वो लड़का बोलता है कि मालिक वो कस्टमर मछली पकड़ने का कांटा लेने के लिए आया था और मैंने उसको मछली पकड़ने का कांटा सेल किया। तो मालिक बोलता है कि यार मछली पकड़ने का कांटा तो $1 का आता है, तूने $1,00,000 कैसे सेल कर दिया। तो उसने कहा कि मालिक जब मैं उसको कांटा सेल कर रहा था मछली पकड़ने का, तो मेरी बातों बातों में मेरी कुछ जानकारी मेरी उससे हो गई और मुझे जानकारी में पता चला कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत पैसे वाला है। और जब मैंने उसको कांटा सेल किया, मैंने उसको बोला कि क्या सर मैं इसको मशीन में लगा दूं, तो उसने मशीन मुझे दे दी अपने निकाल कर। और जब मैं उसको मशीन में लगा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि सर क्या आप इस कांटे से छोटी मछली पकड़ेंगे या बड़ी मछली पकड़ेंगे। तो उसने बोला कि मैं इससे बड़ी मछली पकड़ने वाला हूँ। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि सर अगर आप इस उपकरण से, इसका धागा भी पुराना हो चुका है, ये मशीन भी पुरानी हो चुकी है, अगर आप इससे बड़ी मछली को पकड़ोगे तो इसका धागा टूट जाएगा और मछली आपके हाथ में नहीं आएगी। तो मैंने उसको नई मशीन का सजेशन दिया और उसने नई मशीन खरीद ली। अब उसके बाद में मैंने उनको ये पूछा क्या सर आप बड़ी मछली पकड़ोगे तो क्या आपके पास बोट है या फिर नहीं है, क्योंकि बड़ी मछली हमेशा समुद्र की गहराई में मिलती है और गहराई में जाने के लिए आपको बोट की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने बोला मेरे पास बोट नहीं है। तो मैंने उसको एक बड़ी बोट भी सेल कर दी। अब बोट सेल करने के बाद में मैंने उससे पूछा सर क्या आपके पास गाड़ी है बोट को समुद्र तक ले जाने के लिए। तो उसने बोला हाँ मेरे पास मारुति वैन है और मैं उसी से बोट को ले जाना चाहता हूँ समुद्र तक। तो मैंने उनको बताया कि नहीं सर, समुद्र के आसपास की ज़मीन दलदली होती है और वहाँ पर मारुति वैन नहीं चल सकती है, तो आप एक जीप ले लीजिए, आप एक बड़ी गाड़ी ले लीजिए जिससे आप अपनी नाव को समुद्र तक ले जा सकें। तो उसने वो बड़ी गाड़ी भी खरीद ली। अब उसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या सर आप शिकार करने के लिए एक दिन के लिए आए हैं, मछली पकड़ने के लिए एक दिन के लिए आए हैं, या कुछ और दिन आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं। तो उसने बताया नहीं मैं वहाँ पर एक वीक के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा एक वीक के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े की भी आवश्यकता पड़ेगी, खाने के लिए आपको ये कुछ आइटम्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने उनको बनाने के लिए, घर बनाने के लिए काफ़ी आइटम भी दे दिए, कुछ कपड़े भी मैंने उनको सेल कर दिए और कुछ मैंने उनको खाना बनाने का सामान भी उनको काफ़ी ज़्यादा सेल कर दिया। तो इस प्रकार से वो एक सिंगल व्यक्ति जो कि मेरे पास मछली पकड़ने का एक कांटा लेने के लिए आया था, उसको मैंने $1,00,000 की सेल कर दी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सभी उसकी बात को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उस एक बिजनेसमैन को $1 की जगह $1,00,000 की सेल कर दी। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बता रहे हैं कि अगर चाहे इंसान तो गंजे को कंघा भी सेल कर सकता है। हाँ जी, यानी कि आपके अंदर सेल करने की क्वालिटी होनी चाहिए, हर कुछ बिकता है आपके अंदर, लेकिन वो एबिलिटी होनी चाहिए, आप चाहें वो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई, एक नया ही बिजनेस प्लान लेकर आई है जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, हम बात कर रहे हैं लेट्स ग्रो की। जी हाँ दोस्तों, लेट्स ग्रो हमारी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि हमारी उड़ीसा की है, जिसके अंदर हमारे FMCG, ग्रोसरी और कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो इसके अंदर 1100 प्लस प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं और हमारे दैनिक जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स करते हैं। साथ ही साथ हमें एक ऐसा बिजनेस प्लान दिया जा रहा है जिसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ से, थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी हमारी टीम डेवलप करते हैं तो हम
लेट्स ग्रो के माध्यम से हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेट्स ग्रो की ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें, अगर आप भी लेट्स ग्रो के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। 770 रुपए लगाकर आप भी लेट्स ग्रो के माध्यम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसके बदले में आपको एक ज्वाइनिंग किट दिया जाएगा जिसके अंदर 800 से 850 रुपए के करीब आपको सामान मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, उसके ऊपर अगर आप अपना इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर अगर आप अपनी टीम डेवलप करते हो तो आप लेट्स ग्रो के माध्यम से हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। लेट्स ग्रो का जो प्लान है नेटवर्क फ्रेंडली प्लान रखा गया है, यानी कि मैट्रिक्स लेवल प्लान। 5-5 की मैट्रिक्स को हमें फॉलो करना होगा और पूरी की पूरी 11 लेवल उसके अंदर रखी गई है। प्रत्येक लेवल अचीवमेंट के ऊपर हमें कुछ अट्रैक्टिव रिवार्ड्स, सैलरी और हमारे कुछ रीपर्चेज का कमीशन हमें दिया जाएगा। साथ ही साथ इसकी एक अच्छी खास बात यह है कि थर्ड लेवल अगर आप अचीव करते हो और थर्ड लेवल के अंदर आपके 70% लोग अगर आपके रीपर्चेज करते हैं तो उस कंपनी की तरफ से आपको बिल्कुल सैलरी दी जाएगी और उसके अंदर आपकी सैलरी फिक्स कर दी जाएगी पूरे के पूरे 10,000 पर मंथ। साथ ही साथ ESI और PF की फैसिलिटी भी कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो जल्दी कीजिए, अगर आपने भी लेट्स ग्रो को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही आप सही स्पॉन्सर के अंदर, सही गाइडेंस के अंदर आप भी लेट्स ग्रो को ज्वाइन करिए, क्योंकि सेल करना जिसको आता है वही आज के टाइम में एक सक्सेसफुल इंसान है। क्योंकि गंजे को भी कंघी बेची जा सकती है, लेकिन बेचने का तरीका अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपने बेचने का तरीका सीख लिया तो आपके पास कभी भी रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना